वेलकम बैक टू वीडियोस। तो गाइस फाइनली Redmi Note 13 सीरीज का 5G फोन अब इंडिया में भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि यह फोन अभी चाइना में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस जो कि आपको 12,500 चाइना में पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में जब यह फोन आएगा तो ऑलमोस्ट आपको 15,000 के रेंज में यह फोन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह बेस वेरियंट है। इसका दो वेरियंट और लॉन्च हुआ है, 13 Pro और 13 Pro Plus। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर में। हम Redmi Note 13 5G फोन के बारे में बात करेंगे कि जब यह फोन इंडिया में आएगा तो किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, किस फीचर्स के साथ आएगा और इसका लुक्स डिजाइन कैसा होगा, इसके बारे में हम इस वीडियोस के अंदर में जानेंगे। सबसे पहले आप इस फोन के लुक्स एंड डिजाइन को देखें, काफी ऑसम आपको लुक एंड डिजाइन देखने को मिलेगा। यह फोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के साथ बिल्ड किया गया, तो काफी आपको लाइटवेट आपको यह फोन देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 175 ग्राम का इसका वेट है एंड इस फोन का थिकनेस भी काफी स्लिम है, 7.6 mm का थिकनेस है एंड यह फोन 3 कलर वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। नेक्स्ट इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यह फोन 6.67 inches लार्ज साइज का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड इसके टाइप की बात करते हैं फुल HD प्लस AMOLED 10 bit का यहाँ पे आपको पैनल देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर में आपको 1000 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। काफी अच्छा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल जाएंगे जिससे कि आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा एंड इस फोन के अंदर में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाते हैं एंड 120Hz स्मूथ यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे IP54 का रेटिंग देखने को मिलेगा जिससे कि यह फोन डस्ट से भी प्रोटेक्ट रहेगा और नॉर्मल वाटर के छींटे से भी प्रोटेक्ट रहेगा, तो काफी ऑसम यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे HDR का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो कि निराशा आपको देखने को मिल जाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, किस फोन का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा, इस फोन के अंदर में एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है जो कि बेस्ड है MIUI 14 एंड इस फोन के अंदर में आपको रीब्रांडेड मीडियाटेक डायमंडसिटी 6086 नैनोमीटर बेस्ड यहां पे चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि रीब्रांडेड किया गया है डायमंडसिटी 810 का, जो कि 2021 में जो चिपसेट लॉन्च किया गया था उसी चिपसेट का यहां पे रीब्रांड करके 6080 करके यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ओल्ड वर्जन ही चिप है लेकिन यहां पे रीब्रांडेड किया गया, तो कुछ यहां पे फीचर्स में अपग्रेड जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर का जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो 2.4 GHz एंड इस फोन के अंदर में आपको Mali G57 MC2 का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने मिलेगा जिससे यहाँ पे आप नॉर्मल कैजुअल गेमिंग कर पाओगे एंड यहाँ पे बात की जाए रैम की तो यह फोन अप टू 12 GB LPDDR4X बेस्ड रैम सपोर्टिंग के साथ आपको देखने मिलेगा एंड UFS 2.2 मैक्सिमम 256 GB सपोर्टिंग स्टोरेज के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे आपको बेंचमार्क भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 4 lakh+ आपको यहाँ पे बेंचमार्क भी आराम से देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में कि इसका कैमरा कैसा देखने को मिलेगा। देखिए इस फोन के अंदर दो कैमरा सेटअप किया गया, 108 MP और दूसरा डिप सेंसर। यह जो 2 MP है वो शो के लिए लगाया गया, बस यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए, लेकिन जो मेन है वो 108 MP का। यह एक वाइड एंगल कैमरा है जो कि f/1.7 अपर्चर पे वर्क करता है एंड जो डिप सेंसर वो जो कि f/2.4 अपर्चर पे वर्क करता है। अप टू 1080p तक एट 30 fps फ्रेम रेट के साथ आप आराम से यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और कुछ मोड और फीचर देखने को मिलेगा जो कि आप आराम से यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे जो कैमरा मिलेगा वो जो कि एक गुड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप बजट रेंज के फोन से जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे आपको बेहतर है यहाँ पे क्वालिटी देखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं 16 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि एवरेज सी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल कहा जाए तो कैमरा भी आपको एक गुड क्वालिटी का देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बैटरी की बात की जाए तो इस फोन के साथ आपको 5000 mAh का बैटरी मिलेगा विद 33 W के फास्ट एडाप्टर के साथ, तो यहाँ पे बैटरी लाइफ भी आराम से एक दिन तक टिक जाएगा इस फोन के अंदर में। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पे साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी में आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएंगे, वाईफाई 5 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो इसका स्पेसिफिकेशन फीचर्स कहा जाए तो जो 15,000 रेंज में फोन आते हैं उसी तरह का आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिल रहे, तो काफी अच्छा फोन आने वाला है। Redmi Note 12 सीरीज का जो फोन होता है वो जो कि प्रीवियस नोट सीरीज से बेहतर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे कि प्रीवियस जो नोट सीरीज का फोन है उससे यहाँ पे आपको काफी बेहतर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे और यहाँ पे इंडिया में जब लॉन्च होगा तो काफी अच्छा यहाँ पे फोन निकल के आएगा 15,000 के रेंज में कहा जाए, तो काफी एक बेस वेरिएंट के साथ काफी अच्छा यहाँ पे फोन साबित हो सकता है। अगर ये 15,000 के नीचे के बजट में लॉन्च होगा अगर इंडिया में तो काफी बेहतर ये फोन साबित हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि इस फोन के बारे में आपको सभी चीजें पता चले होंगे, ये फोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, इसका लुक्स एंड डिजाइन कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी इस फोन के रिगार्डिंग कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने मिले, थोड़ा सा देर से देखने मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।